हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटोरोला एज 20 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके बाद आपको सेटिंग पेज में नीचे आना है और यहाँ पर आपको साउंड का ये ऑप्शन मिलेगा, साउंड पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपके साउंड के इस पेज में नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है टच साउंड का ये ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। इसके सामने एक बटन दे रखा है, इस बटन को सिलेक्ट करेंगे तो ये ब्लैक कलर में ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इससे जो है आपकी टच साउंड सेटिंग डिसेबल हो जाती है। तो ये सेटिंग जो है डिसेबल होने से होता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे अपने पूरे मोबाइल फ़ोन में, किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन जो है कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन ये सेटिंग जो है डिसेबल करने से पहले कैसे काम करता था ये मैं आपको बताता हूँ। ये सेटिंग जो है डिसेबल करने से पहले आप किसी भी ऑप्शन को टच करते थे तो एक हल्का सा साउंड क्रिएट होता था, ठीक है। तो यानी कि एक हल्की सी आवाज़ आती थी, लेकिन अब आपने जो है इस सेटिंग को ऑफ कर दिया है तो ये अब कोई भी आवाज़ नहीं करेगा, कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा। ये सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद कोई भी साउंड क्रिएट नहीं करेगा जब भी आप किसी भी ऑप्शन को टच करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको जो है टच साउंड सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन में। आपको मोबाइल का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच साउंड, ठीक है। टच साउंड यहाँ पे टाइप कीजिए तो आपको नीचे की साइड टच साउंड का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी भी जो है सर्च बार में आप जो है टच साउंड को नेम को टाइप करेंगे तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो नीचे की साइड आपका इस तरीके से ऑप्शन शो नहीं होगा ये वाला, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ये टच साउंड शो हो जाएगा तो इसे सेलेक्ट करना है। इससे होगा क्या कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको डायरेक्ट इस सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को हाईलाइट करेगा। तो एक शॉर्टकट तरीका इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फ़ोन में।